देर आए दुरुस्त आए, यह कहावत सोलन की नगर परिषद पर लागू होती है। सोलन शहर में पार्किंग की समस्या ने विकराल रूप धारण किया हुआ है, जिसको लेकर नगर परिषद आंखें मूंद कर बैठी है। सोलन की जनता द्वारा बार बार पार्किंग की समस्या को प्रमुखता से उठाने के बाद शहर की जनता को नई पार्किंग मिलने जा रही है। नगर परिषद अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर ने बड़ा कदम उठाते हुए रेलवे रोड पर मल्टी स्टोरी पार्किंग का कार्य शुरू किया। इस पार्किंग के बनाने से तकरीबन 150 के करीब छोटे बड़े वाहनों को पार्क किया जा सकेगा। गौरतलब है कि 13 वर्ष पहले 6 मई 2006 को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा इस पार्किंग का शिलान्यास किया गया था। पार्किंग वाले स्थान पर बनी दुकानों को तोड़ने का कार्य शुरू किया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही सोलन की जनता को मल्टी स्टोरी पार्किंग की सुविधा मिल पाएगी। नगर परिषद के जय विनोद पाल ने बताया कि नगर परिषद अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर के नेतृत्व में रेलवे रोड पर नई मल्टी स्टोरी पार्किंग का कार्य शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए यहां 150 के करीब गाड़ियां पार्क की जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि पार्किंग वाले स्थान पर बनी दुकानों को हटाया जा रहा है और जल्द ही यह बहुमंजिला पार्किंग बनकर तैयार हो जाएगी। रेलवे स्टेशन रोड पे मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण कर रही है, जिसकी एक्सेस के लिए रास्ते में 7 छोटी बड़ी दुकानें आ रही थी, जिनको एमसी द्वारा तोड़ा जा रहा है और जल्दी नगर परिषद सोलन वासियों के लिए मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण करके देगी। और जो ये दुकानें तोड़ी गई है, इन लोगों को पहले से नोटिस दिए गए थे और इन दुकानों की हालात भी अच्छे नहीं थे और कभी भी टूटने के कगार पे थे। तो इस कारण हमने इन लोगों को जो पहले नोटिस दिए थे, इन लोगों ने बड़े शांतिपूर्ण ढंग से दुकानें अपनी खाली कर दी थी और आज एमसी सोलन इन दुकानों को तोड़ रही है और जल्द से जल्द सोलन वासियों को पार्किंग की अच्छी फैसिलिटी मिले, इसकी आशा करते हैं। इसमें 150 के करीब छोटी बड़ी गाड़ियों का पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। पीआर टीवी के लिए सोलन से अमरप्रीत की रिपोर्ट।